महाराष्ट्र की राजनीति ऐसे दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां एक ओर नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर ये पता ही नहीं है कि नया सीएम कौन होगा। नए सीएम की बात छोड़िए, अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि शिंदे और बीजेपी के बीच ट्विनिंग किस तरह से रहेगी, सरकार में शिंदे शामिल होंगे भी या नहीं होंगे। यहाँ कमाल की बात ये भी है कि एकनाथ शिंदे बहुत पहले ये कह चुके हैं कि वो बाहर से समर्थन देने को तैयार हैं। ये बीजेपी के लिए सबसे आसान ऑप्शन हो सकता था, लेकिन ये आसान ऑप्शन ही बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल ऑप्शन बन गया है। समीकरण के हिसाब से देखें तो अगर बीजेपी शिंदे से बाहर से समर्थन ले लेती है तो न तो उन्हें डिप्टी सीएम पद देना पड़ेगा न गृह मंत्रालय को लेकर ही सबसे ज्यादा रार बताई जा रही है। ऐसे में बीजेपी इस ऑप्शन के लिए आसानी से हाँ कह सकती थी। सवाल है कि जब इतना आसान ऑप्शन बीजेपी के पास है तो फिर पूरी राजनीति में इतनी जद्दोजहद, इतना विवाद चल क्यों रहा है। दरअसल चुनाव परिणाम जब सामने आए थे तो महायुति को बंपर जीत मिली थी, बीजेपी खुद बहुमत से कुछ ही दूरी पे खड़ी हो गई थी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी थी और अजीत पवार की एनसीपी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी। अब सवाल खड़ा हुआ कि सीएम कौन होगा। एकनाथ शिंदे खुद सीएम बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी चाहती थी कि सीएम उनका रहे। ऐसे में बीजेपी के सामने एकनाथ शिंदे ने तीन ऑप्शन रखे। पहला कि सीएम उन्हें बनाया जाए, जिसके लिए बीजेपी ने सीधे मना कर दिया। दूसरा ऑप्शन उन्होंने रखा कि वो खुद तो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम और गृह मंत्रालय, ये दोनों पद उनकी पार्टी को दिए जाएं। बीजेपी ने इसके लिए भी मना कर दिया। बीजेपी किसी भी तरह से गृह मंत्रालय उन्हें देने के लिए राजी नहीं है। बीजेपी का कहना है कि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास रहना चाहिए। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने तीसरा ऑप्शन रखा था कि वो बाहर से समर्थन देंगे, अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी मिलकर सरकार बना ले। कमाल की बात है कि बीजेपी ने इस ऑप्शन के लिए भी ना कह दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि शिंदे को अगर सरकार में शामिल नहीं किया गया तो एक बड़ा वोटर वर्ग बीजेपी से दूर हो सकता है। दरअसल महाराष्ट्र में मराठा वोटर्स का एक बड़ा वोट बैंक है। इस वोट बैंक पर एकनाथ शिंदे का अच्छा खासा प्रभाव है। माना यह जा रहा है कि इस बार मराठा वोटर्स महायुति के साथ जुड़े तो उसकी वजह थी एकनाथ शिंदे। अब अगर एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल नहीं होते हैं तो बीजेपी को भविष्य के लिए राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। बाहर से समर्थन देने पर शिवसेना के भविष्य में अलग होने की आशंका भी ज्यादा रहेगी। ऐसे में बीजेपी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। इसके अलावा कई राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी और एनसीपी अजीत गुट मिलकर सरकार बना सकते हैं, लेकिन शिंदे के बाहर रहने से भविष्य में नुकसान हो सकता है। बीजेपी इस नुकसान को नहीं झेलना चाहती। अगर खुद एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं तो कम से कम उनकी पार्टी का कोई डिप्टी सीएम बने, बीजेपी इस पर लगातार जोर दे रही है। राजनीतिक जानकारों का तो यहां तक दावा है कि शिंदे ने ये तीसरा ऑप्शन रखा ही इसलिए था क्योंकि उन्हें मालूम था कि बीजेपी इस ऑप्शन के लिए हाँ नहीं कहेगी। ऐसे में जनता के सामने भी ये मैसेज जाएगा कि शिंदे तो हर तरह से कोऑपरेट करना चाह रहे हैं, लेकिन बीजेपी कोऑपरेट करने को तैयार नहीं हो रही, पर मजबूरन शिंदे की बातें बीजेपी को माननी पड़ जाएंगी। शिंदे की इस प्रेशर पॉलिटिक्स का बीजेपी ने भी बखूबी जवाब दिया। बीजेपी ने 5 दिसंबर को नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि सीएम का नाम अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। जो 2 पर्यवेक्षक केंद्र की ओर से भेजे गए हैं वो भी, एक हैं गुजरात के विजय रूपाणी, दूसरी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण। ये दोनों ही अमित शाह और पीएम मोदी के काफी खास लोगों में गिने जाते हैं। अब ऐसे में साफ है कि महाराष्ट्र में प्रेशर पॉलिटिक्स दोनों तरफ से खेली जा रही है। अब इस प्रेशर पॉलिटिक्स का परिणाम क्या होता है, इस पर जनता की निगाहें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।